जय माता की दोस्तों, ज़्यादातर लोगों को साल में दो बार पड़ने वाली नवरात्रों की जानकारी है, जो चैत्र और अश्विन माह में मनाई जाती हैं। वहीं माघ और आषाढ़ नवरात्रों के बारे में लोगों को कम ही जानकारी है। इन्हें गुप्त नवरात्रे कहा जाता है, जो तंत्र मंत्र साधना के लिए विशेष तौर पर महत्व माना गया है। कहते हैं तांत्रिक गुप्त नवरात्रों के दिनों में महाविद्याओं की सिद्धि के लिए माँ दुर्गा जी की आराधना करते हैं। इस साल गुप्त नवरात्रों की शुरुआत 11 जुलाई से हो रही है और 18 जुलाई तक गुप्त नवरात्रे रहेंगे। तो आज हम आपको हर रोज गुप्त नवरात्रों में इस कथा को सुनें और पाएं गुप्त नवरात्रों की पूजा का पूरा फल। तो गुप्त नवरात्रों में हर रोज सुनी जाने वाली माता की बहुत ही सुंदर कहानी आज हम आपसे शेयर करने वाले हैं। गुप्त नवरात्रे से जुड़ी प्राचीन कथा इस प्रकार है। इस कथा के अनुसार एक समय ऋषि श्रृंगी भक्तजनों को दर्शन दे रहे थे। अचानक भीड़ में से एक स्त्री निकल कर आई और ऋषि श्रृंगी से बोली कि भगवान मेरे पति दुर्व्यसनों से सदा घिरे रहते हैं, जिस कारण से मैं कोई पूजा पाठ नहीं कर पाती, धर्म और भक्ति से जुड़े पवित्र कार्य भी नहीं कर पाती। यहाँ तक कि ऋषियों को उनके हिस्से का अन्न भी समर्पित नहीं कर पाती। मेरा पति मांसाहारी है, ज्वारी है, लेकिन मैं माँ दुर्गा की सेवा करना चाहती हूँ। उनकी भक्ति साधना से अपनी और परिवार के जीवन को सफल बनाना चाहती हूँ। ऋषि श्रृंगी महिला की भक्ति भाव से बहुत प्रभावित हुए। ऋषि जी ने उस स्त्री को आदर पूर्वक उपाय बताते हुए कहा कि शारदीय नवरात्रों में तो आम जनमानस सभी परिचित हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त भी दो नवरात्रे होते हैं जिन्हें गुप्त नवरात्रे कहा जाता है। उन्होंने कहा कि प्रगट नवरात्रों में 9 देवियों की उपासना होती है, परंतु गुप्त नवरात्रों में 10 महाविद्याओं की साधना की जाती है। इन नवरात्रों की प्रमुख देवी स्वरूपा का नाम सर्वेशकारिणी है। यदि इन गुप्त नवरात्रि में कोई भी भक्त माँ दुर्गा की पूजा साधना करता है तो माँ उनके जीवन को सफल कर देती हैं। ऋषि श्रृंगी ने आगे कहा कि लोभी, कामी, मांसाहारी अथवा पूजा पाठ ना कर सकने वाला भी यदि गुप्त नवरात्रों में माता की पूजा करते हैं तो उनके जीवन में कुछ और करने की आवश्यकता ही नहीं रहती। उस स्त्री ने ऋषि श्रृंगी के वचनों पर पूरी श्रद्धा रखते हुए गुप्त नवरात्रों की पूजा की। माँ उस पर प्रसन्न हुई और उस स्त्री के जीवन में परिवर्तन आने लगा। उसके घर में सुख शांति आ गई। पति जो गलत रास्ते पर था, वह भी सही मार्ग पर आ गया। गुप्त नवरात्रों की माता की आराधना करने से उसका जीवन पुनः खिल उठा। इस प्रकार गुप्त नवरात्रों के इतना अधिक महत्व है मित्रों, केवल कथा सुनने मात्र से भी माँ प्रसन्न हो जाती हैं। हमारी भी माता से प्रार्थना है इस कथा को कहते सुनते सभी की इच्छाएं पूर्ण करें, सभी के जीवन में सुख ही सुख भर दें। बोलिए जय माता की दोस्तों। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जय माता की अवश्य लिखें।